हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इंडियन स्टॉक्स। देखिए, बहुत ही जबरदस्त तेजी के साथ में निफ्टी ने आज 16,500 के लेवल भी क्रैक कर दिए। और उसमें भी अच्छी बात क्या है कि 16,500 के ऊपर पहुंचने के बाद में रेजिस्टेंस का या बिकवाली का कोई बड़ा नामो निशान नहीं है, यानी कि एक नए दरवाजे निफ्टी के खुल गए हैं जो अब 17,000 तक की अप्रोच दिखाने के लिए हमें तैयार हैं। पर किस तरीके से काम करना है निफ्टी के ऊपर, ये हम जानेंगे निफ्टी टुमारो की वीडियो में जो आएगी संडे की शाम को, क्योंकि आज है फ्राइडे और कल मार्केट्स रहने वाले हैं क्लोज। तो संडे की शाम को निफ्टी टुमारो वाली वीडियो में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी आपको ब्रीफ में बताने जाऊंगा जो आप ओपनिंग ट्रेड के वक्त पैसा कमा सकते हैं जिसके थ्रू। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, चाहे गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो चीजें कुछ डिस्क्राइब करूंगा संडे की शाम को निफ्टी टुमारो वाली वीडियो में। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर अलग अलग बहुत पॉजिटिव न्यूज है। कोशिश करूंगा इन दो दिन के अंदर जो सैटरडे संडे वीकेंड मिला है कि सारे के सारे स्टॉक आपके सामने लेके आ सकूं, एंड पोटेंशियल कहां है पैसे कमाने का वो टेक्निकली एंड उनके अंदर जो न्यूज है उनको क्लब करके आपके सामने दिखा सकूं। आज अभी फिलहाल इस वीडियो में भारती एयरटेल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक बहुत जबरदस्त स्पाइक आया, 638.80 तक का आज नया 52 वीक हाई लगाया। मैं बार बार हमेशा आपको ये बोल रहा हूं भारती एयरटेल की वीडियो में कि इसको खरीदिए, 640 का टारगेट है, इसको खरीदिए, 640 तक ये आपको बहुत इजीली जाते हुए दिखाई दे जाएगा। एंड देखिए, आज इसने बहुत नियर अपने उन लेवल्स को हासिल किया है 640 के आसपास के, और यहां से इसके अंदर फर्दर तेजी बनने के पूरे आसार है जिस तरीके से इस वक्त भारती एयरटेल का स्टॉक यहां पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखिए 636 पर है लास्ट एडिट प्राइस, तकरीबन 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी विल डिलीवरी पोजीशन आप देखिए 37.60% की परसेंटेज यहां पर कैरी फॉरवर्ड की गई है। तो आप ये देखिए, इतने जबरदस्त हाई आने के बावजूद भी क्लोजिंग वहीं पर होती है, 637 पर क्लोजिंग होती है, ये एक पॉजिटिव साइन है। अब यहां पर देखिए इतनी बड़ी तेजी बनने का कारण क्या है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, और काफी अच्छा सहारा दिया आज इसने निफ्टी को भी कि स्टॉक बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वी आर एनक्लोजिंग हियर विद ए प्रेस रिलीज डेटेड 13th of August 2021 टाइटल एयरटेल एंड जियो कॉन्क्लूड स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एग्रीमेंट बींग इश्यूड बाय भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने 800 मेगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम है उनका, उसको शेयर किया है रिलायंस जियो के साथ में, और उसके बदले देखिए रिलायंस जियो ने एयरटेल को 1,005 करोड़ रुपए दिए हैं नेट ऑफ टैक्स। यहां पर यह खबर थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी भारतीय एयरटेल में आते हुए दिखाई दी है। तीन सर्कल्स में रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल का 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज कर सकता है, और इसी की वजह से ये सारी चीजें होती हुई हमें दिखाई दी हैं। अब यहां पर देखिए, भारती एयरटेल एक वो कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, एंड रिलायंस जियो एक वो कंपनी है जिसको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत है। तो दोनों एक कंपनी क्लब हुई हैं, तो यहां पर दोनों का ही फायदा है। तो इसलिए देखिए, अब इस वक्त आपको टेलीकॉम की पूरी इंडस्ट्री के अंदर दो मजबूत पिलर्स दिखाई देंगे, एक होगा एयरटेल और दूसरा होगा रिलायंस जियो। अब देखिए यहां पर किस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म है वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत जबरदस्त तेजी से स्टॉक के अंदर बनी हुई है 20 जुलाई के बाद में। एक तरीके से अगर आप देखें तो 20 जुलाई के बाद में एक वर्टिकल राइज इसके अंदर आया है, बहुत तेजी से ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। एंड इसने इन लेवल से देखिए, कौन से लेवल थे, 530 के लेवल से और 630 तक के लेवल्स बहुत कम दिनों में तय किए हैं, यानी कि एक मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर बरकरार था पिछले 20-25 दिन से, जिसकी वजह से इतने बड़ा राइज स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, अब हमें एयरटेल के अंदर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, अगर आपने यहां कहीं पोजिशन बनाई थी तो एयरटेल के अंदर पार्शियल बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। ध्यान रखिएगा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आरएसआई है, आरएसआई इस वक्त अपने ओवरबॉट जोन को टच करने के लिए बिल्कुल तैयार है, 77 पॉइंट्स के आसपास आ चुका है। मैं अपनी जितनी भी ट्रेड्स लेता हूं स्टॉक के अंदर, वो हमेशा आरएसआई को ध्यान में रखते हुए ही लेता हूं। आरएसआई कितना इंपॉर्टेंट टूल है आपको बता देता है कि स्टॉक के अंदर कब ज्यादा बाइंग हो चुकी है और कब ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। और स्टॉक के फंडामेंटल्स तो आपको पता ही होते हैं कि स्टॉक कितना मजबूत है, क्या सिर्फ उसमें टेक्निकल्स हैं या फिर उसके अंदर कुछ मजबूती भी है, बैकग्राउंड भी है। तो भारतीय एयरटेल तो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ में ये स्टॉक आता है, एंड अगर ये स्टॉक का आरएसआई इतना हाई पहुंच रहा है तो आप मान के चलिए कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर
प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आप स्टॉक्स का देखिए हिस्ट्री भी उठा के देख सकते हैं कि एक्चुअली में उसकी नेचर क्या है आरएसआई के हिसाब से, क्या वो ओवरबॉट जोन को टच करते ही नीचे गिर जाता है या फिर कुछ टाइम सस्टेन रहने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहां पर एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जो जनरली जैसे ही इसका आरएसआई टच करता है ओवरबॉट जोन को, उसके बाद में स्टॉक नीचे आ जाता है, आरएसआई बेसिकली नीचे की डायरेक्शन अपना लेता है। तो यहां से स्टॉक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे की तरफ दिखाता है ट्रेंड, तो कहां तक जा सकता है? पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है 612 रुपए के आसपास, नॉट टू बी वेरी प्रिसाइज इसको हम लोग 610 मान लेते हैं, 610 रुपीज के वो स्टॉक वो लेवल से जहां पर इसको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक ठहराव देखने को मिल सकता है। तो 610 रुपीज का स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिएगा अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं। अगर बात रही फ्रेश पोजीशंस की एंट्री की कि भाई आपको फ्रेश पोजीशंस बनानी है, तो देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी वर्टिकल बेसिकली लाइन में ऊपर की तरफ जा चुका है, एक बेस था इसका यहां पर 630 के आसपास, वहां से ये उठा है एक लाइन के अंदर, और जब भी कभी ऐसा मूव आता है स्टॉक के अंदर गिरावट भी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। इसीलिए जब तक ये कोई लेवल पर रिवर्सल ना ले, जब तक किसी लेवल पर ये वापस से टकरा के ऊपर की तरफ ना निकले, तब तक कोई नई पोजीशन स्टॉक के अंदर नहीं बनानी है। तो पहला जो सपोर्ट मिल रहा है वो 610 रुपए के आसपास मिल रहा है, 610 रुपए के आसपास का सपोर्ट को चेक करना है आपको। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर अगला सपोर्ट देखिए जो उसको मिलेगा वो मिलेगा 580 रुपीज के आसपास। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला 610 पर है एंड दूसरा जो है वो है 580 पर। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो बेसिकली आपको फिर अपने शॉर्ट टर्म की जो पोजीशन है उनसे एग्जिट करना होगा, क्योंकि फिर इसके अंदर गिरावट आ सकती है। फिलहाल के लिए अगर आप बने रह सकते हैं, ज्यादा वोलेटिलिटी का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो आप बने रहिए। अगला जो टारगेट है वो 670 रुपीज तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन वो उसको आने में हो सकता है कुछ टाइम लगे, क्योंकि निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर जाकर सस्टेन तो हो रहा है, लेकिन वहां पर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली फिर देखिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसलिए ऑलरेडी काफी अच्छे गेन हो चुके हैं 530 से और 630 तक के, जहां पर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप रुकना चाहें तो पहला जो स्टॉप लॉस लगाना है 610 रुपए का, और अगर वो भी क्रैक होता है तो अगला स्टॉप लॉस आपको और नीचे देखने को मिल सकता है जो होगा 580 रुपए का। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के आप भारतीय एयरटेल के अंदर अपनी पोजीशंस को बनाए रख सकते हैं या फिर एग्जिट लेके प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। आगे कोई भी डेवलपमेंट होगा इस स्टॉक के अंदर टेक्निकली, तो मैं डेफिनेटली आपके सामने लेके आऊंगा, शेयर करूंगा वीडियोस के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। किसी भी पॉइंट पर ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।